आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से सेफ ड्राइव सेव लाइफ मुहिम को लेकर सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। रानीगंज और दुर्गापुर में ट्रैफिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने, हेलमेट पहनकर बाइक चलाने, ट्रिपल राइडिंग से बचने, शराब पीकर गाड़ी ना चलाने और सीट बेल्ट लगाने की अपील की गई। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से सेफ ड्राइव सेव लाइफ मुहिम को लेकर सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। सोमवार से सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हुई, जिसके तहत रानीगंज ट्रैफिक गार्ड के तरफ से ट्रैफिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्कूली बच्चों के साथ ट्रैफिक पुलिस व CPVF कर्मियों ने रानीगंज शहर के अलग अलग जगहों पर ट्रैफिक जागरूकता अभियान चलाया। तार बंगला मोड़, इतवारी मोड़ और राजबाड़ी मोड़ के पास ये अभियान चलाया गया, जहां स्कूली छात्र हाथों में विभिन्न बैनर, पोस्टर एवं कटआउट लिए हुए थे, जिसके जरिए लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने, हेलमेट पहनकर बाइक चलाने, ट्रिपल राइडिंग से बचने, शराब पीकर गाड़ी न चलाने और सीट बेल्ट लगाने की अपील की गई। रानीगंज के ट्रैफिक प्रभारी चित्ततोष मंडल के नेतृत्व में स्कूली छात्रों ने सड़क मार्ग से गुजर रहे बाइक सवारों को रोककर जागरूक करने का प्रयास किया। इस दौरान देखा गया कि कुछ बाइक सवार बगैर हेलमेट के बाइक चला रहे थे। उन्हें बताया गया कि हेलमेट न पहनने से वे दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। ट्रैफिक प्रभारी चित्ततोष मंडल ने बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रेरणा से सेफ ड्राइव सेव लाइफ मुहिम के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह का पालन किया जा रहा है। 13 फरवरी से लेकर आगामी 20 फरवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह चलेगा। इस दौरान ट्रैफिक जागरूकता पर आधारित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की जरूरत है। অনেক ভালো ভালো ছেলে বলুন, অনেক ভালো ভালো ব্যক্তি আমাদের থেকে চলে গেছেন, অ্যাক্সিডেন্টে কবলে পড়েছেন, অ্যাক্সিডেন্টে কবলে পড়ে মারা গেছেন। তো আমি চাইবো সেই সব অ্যাক্সিডেন্টগুলোকে একটা মুক্ত হয়। আজকে গোটা দেশ জুড়ে জিরো টলারেন্স করতে হবে, অ্যাক্সিডেন্টে যেন আমরা একটা ব্যক্তি কেউ যেন না হারাই। তো সকলকেই ধন্যবাদ জানাই, সকলকেই অনুরোধ করব যে আজকে যে সমস্ত ছেলেরা এসছে আপনাদেরকে যে কথাগুলি বলবে, কাউকে হয়তো বলবে হেলমেট পরুন, কাউকে বলবে নিয়ম মেনে চলুন, কালকে বলবে আসতে চলুন, তাই সেই ব্যাপারগুলো মানার চেষ্টা করবেন। আজকে আমরা বাধ্য হয়েছি এসব কাজ করতে, যদি আপনারা সচেতন না হন তাহলে কিন্তু আমাদের পক্ষে খুবই মুশকিল, আর এই মিশনটা সাকসেস করাও খুব কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়াবে। তো যেটা কঠিন হবে সেটাকে সহজ করার একটাই উপায়, আসুন সকলে মিলে আমরা এই রোড সেফটি উইক পালন করি। वहीं दुर्गापुर के भगत सिंह इलाके में और गांधी मोड़ पर भी दुर्गापुर सब ट्रैफिक गार्ड की तरफ से जागरूकता प्रचार किया गया। इस प्रचार में कॉलेज के NCC कैडेट्स को शामिल किया गया। जागरूकता प्रचार के जरिए बाइक सवार लोगों को हेलमेट का इस्तेमाल करने की अपील की गई। साथ ही नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। इस बारे में बताते हुए ACP ट्रैफिक तौहीद अनवर ने बताया कि आए दिन एक्सीडेंट, ड्रिंक एंड ड्राइव जैसे केसेस आते रहते हैं। रात को ट्रैफिक न होते हुए भी ये दुर्घटनाएं घटती हैं, जिससे ये पता चलता है कि लोगों में जागरूकता की कितनी कमी है। इसलिए हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है और आगे भी ऐसे कई कार्यक्रम होंगे। আশা রেখেই আমরা সচেতনতার প্রোগ্রাম যেটা করে যাচ্ছি, আজ থেকে তো আমরা একটা স্পেশাল প্রোগ্রাম যেটাতে আমরা স্টুডেন্টদেরকে ইনভলভ করাচ্ছি, তারাই আগাম দিনে সমাজের সুনাগরিক হয়ে উঠবে এবং তাদের মধ্যে সচেতনতা আনার জন্যেই আমরা, তারা সমাজকে একটা মেসেজ দেবে কি যাতে আমরা আরও সচেতন হই, এবং আশা রাখছি আমরা কি এটাতে অনেকটাই আমরা দুর্ঘটনা এড়াতে পারব। रानीगंज से विप्लव बादिकर और दुर्गापुर से साधन रूस की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। स्वास्थ्य की रक्षा और अधिक पौष्टिक, एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुश परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा, रोटी चपाती पूरी पराठा, एग्रो फ्रेश, एग्रो फ्रेश आटा। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে সঠিক পুষ্টি, এগ্রো ফ্রেশ আটা রুটি, এগ্রো ফ্রেশ, এগ্রো ফ্রেশ আটা।